हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक्चुअली मैं बहुत टाइम बाद लाइव आई हूँ और पेज से तो मैं बिल्कुल भी लाइव नहीं आती हूँ और कभी आई नहीं हूँ। आई गेस मैं 3-4 साल बाद शायद मैंने पेज से लाइव आई हूँ, फेसबुक पेज से। इंस्टाग्राम से तो मैं लाइव आती रहती हूँ बट अभी वो भी मैं ज़्यादातर नहीं आ रही हूँ। सो हाय और वेलकम। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई और बहुत टाइम बाद मैं आप सबसे बात कर रही हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और सब कैसे कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। हेलो छोटू कुमार जी, मोहसिन कुमार, हाय पंकज कुमार, हेलो मनीष यादव जी, हाय। मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू आलोक सिंह जी, थैंक यू सो मच। उमेश्वर जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सब कैसे हैं। और आई होप कि आप सब ठीक हो और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सब से बात करके। मैं कोशिश करूँगी इसमें अगर मैं लाइव आ सकूँ, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है मैं इसमें लाइव आ सकती हूँ किसी के साथ या नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, मुझे एडवांस में बर्थडे विश कर रहे हैं आप लोग और इतनी दुआएं, आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और बस मैं भी यही दुआ करूंगी आप लोग जहां भी हैं हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे। हेलो सोनू गुप्ता जी, बहुत जल्दी जल्दी कमेंट्स जा रहे हैं मुझे पढ़ने, बहुत हो जा रही हूँ। ओके सो मूवीज शूटिंग अभी 15 से मेरी स्टार्ट होगी। सो 15 से शूट स्टार्ट हो रहा है तो कुछ दिन बचे हुए हैं। सो बस घर पे ही केक्स एंड ऑल गिफ्ट्स और सब आ रहे हैं। ये बहुत प्यारा सा क्यूटी टेडी बेयर कल आया है मेरे लिए एंड आई लव टेडी बेयर्स। मेरे पास गोरिल्ला भी है सी। थैंक यू हलचल यदुवंशी जी। ओके सो हाँ मैं अभी अभी जस्ट मैं गई थी शूट पे बलिया बेल्थ्रा रोड और मेरा शूट था। सो बहुत अच्छा लगा, वहाँ के लोग बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव है और बहुत अच्छा लगा शूट करके। और बहुत अच्छी फिल्म बन रही है दंड नायक, जो कि मैंने तो गेस्ट अपीयरेंस किया है बट बहुत अच्छा लगा सबके साथ मिलके। बहुत टाइम बाद शायद मैंने शूट किया, 3-4 महीने हो गए आफ्टर लॉकडाउन, तो अच्छा था। बट हम सब ने प्रिकॉशन के साथ वर्क किया है और सब प्रिकॉशन लेते हैं। सो आप सब भी ले। और ज़्यादातर मैंने देखा है कि कोई मास्क नहीं पहनता है बट अभी थर्ड वेव भी स्टार्ट हो रहा है और आई गेस हो चुका है, लेकिन केसेस कम है और इसी वजह से लॉकडाउन भी हो रखा है शायद उस वजह से, क्योंकि केसेस ना बढ़े। तो हर चीज़ बहुत ज़रूरी है और हमारी केयर करनी भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप जहाँ भी जाए काम करना तो बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, बिकॉज 1.5 साल से 2 साल से जो कोरोना की स्थिति चल रही है, जो परिस्थिति चल रही है, तो सब लोग बहुत परेशान है उस चीज़ को लेके। तो आप प्लीज़ आप लोग वर्क करिए और आप जहाँ भी जाते हैं प्रिकॉशन के साथ जाइए और ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत जाइए और ज़्यादा लोग एक साथ खड़े भी मत रहिए, बिकॉज़ हमारी लाइफ का सवाल है और हमारी फैमिली की ज़िंदगी का भी सवाल है। सो प्लीज़ गाइस अपना ख्याल रखें। ओके सो मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा केक दिखाना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए आया है सी। सो मैं सोच रही थी कि मैं आप सबके साथ कट करूँ जो कि मैं करने वाली हूँ। एंड ये मुझे दिया है अंजलि, अंजलि ने भेजा है। सो अंजलि थैंक यू सो मच,
और ये जो है क्यूटी पाई, ये आंचल आंचल ने दिया है सोलमेट के राघवानी, सो थैंक यू सो मच। और मुझे भी मौका मिले मैं भी आपको बर्थडे में कुछ सेंड करूं, तो वो मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगी। और मेरी एक्चुअली ख्वाहिश थी कि मैं इस बार अपना बर्थडे अपने फैंस के साथ मनाऊं, तो मैं जहाँ भी शूट, अगर मैं अपने बर्थडे में शूट कर रही होंगी, तो आई लाइक आई प्रॉमिस मैं अपना बर्थडे अपने फैंस के साथ मनाऊंगी। और कुछ लाइक गिन के 3-4 लोग होंगे, क्योंकि मैं सेट पे ज़्यादा लोगों को नहीं बुला सकती, बट मैं अपना बर्थडे उनके साथ स्पेंड करूंगी। हाँ, सो हम लोग केक कट करते हैं, एंड आई मैं आपको तो नहीं खिला सकती, बट आपके हिस्से का मैं खा लूंगी। ओके, अंजलि, दिस इज फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच इतना टेस्टी और यम्मी केक सेंड करने के लिए। ओके, सो गाइस, ये आप सबके लिए एंड स्पेशली अंजलि आपके लिए, थैंक यू सो मच ये केक मुझे भेजने के लिए। टेस्टी है। ओके, तो ये केक मैं अब बाद में खाऊंगी। इतना सारा तो नहीं खा सकती, बट और कोई देखेगा तो मुझे चिल्लाने वाला है आज। एनीवेज, मैं किसी को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ओके, ये जो भोभो वाला है वो मेरा रिंगटोन है डॉग की आवाज़ में, बिकॉज़ आई लव एनिमल्स और मैं डॉग लवर हूँ, सो मुझे पेट्स बहुत पसंद है, तो मैंने अपनी रिंगटोन ये रखी है। ओके, तो मैं अभी कॉल करने जा रही हूँ। हाँ, लेट्स कॉल शुभम भारद्वाज। हेलो, आज मैं ज्यादा हेलो, हम कैसे हैं? ठीक हूँ। आप कैसे? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मेरा बर्थडे अभी बाकी है, 10 दिन बाकी है, बट सेलिब्रेशन आज से हो रहे हैं। आपका मैं बड़ा फैन हूँ। ठीक थैंक यू शुभम, कैसे हैं आप? हूँ। मैं भी मैं यूपी गाजीपुर गाजीपुर से हो? ओके, हाँ दिनेश यादव रघुआ के गांव से। तो जी, हाँ जी, आई नो। और क्या कैसे करते हो? हैं ठीक आप? है, पढ़ाई करते हैं पढ़ाई अभी तो स्कूल अभी। बंद होंगे? हाँ, पढ़ाई के बाद सिंगिंग के लाइन में जाना चाहता हूँ। चलिए, बढ़िया, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, रियाज करिएगा, और उसके बाद फिर कोशिश करिएगा। हाँ, ठीक हो है, गया। चलो। ओके, सो शुभम से बात हो गई है, और चलिए, और मैं किसी को लाइव लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टाइम बाद, मतलब मैं लाइव आती थी, मेरा शो था खट्टी मीठी बातें, आप सबसे बात करती थी, और क्वेश्चंस हमारे, कई लोग हमारे सुपरस्टार्स आते थे उसमें, और हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस आते थे, सो बहुत अच्छा लगता था, और आप सबसे भी बात होती थी उसमें। चलो, मैं और एक किसी को लाइव लेती हूँ। थैंक यू विवेक जी, बी विवेक का। यार इतने फास्ट क्यों स्क्रॉल हो रहे हैं सारे मैसेजेस?
कॉल किया है बट वो उठा नहीं रहे आई गेस, तो मैं कट कर देती हूँ, मैं किसी और को ट्राई करती हूँ। हाँ, मैं किसी लड़की से बात करना चाहती हूँ बट मुझे दिखाई नहीं दे रही फिलहाल। लड़कियां ज्यादा यूज नहीं करती हैं क्या? सही बात है, यूज भी नहीं करना चाहिए ज्यादा सोशल अकाउंट्स। मैंने बहुत कम कर चुकी हूँ यूज करना। हाय बिनी प्रसाद जी, थैंक यू सो मच। मेरा बर्थडे आज नहीं है, मेरा बर्थडे 10 दिन बाद है, 20 जुलाई को। सो मैं स्पेशली चाहूंगी कि आप मुझे उस दिन आशीर्वाद दें क्योंकि उस दिन मेरा जन्म हुआ था। और अभी फिलहाल जो बर्थडे मन रहा है बिकॉज केक आया हुआ है और मैं चाहती थी कि मैं आप सबके साथ मेरा फर्स्ट केक कट करूं। सो इस वजह से मैंने आज सोचा कि क्यों ना लाइव आया जाए और आप सबसे थोड़ी सी बातें की कर ली जाए। और आई होप कि आप सबने वैक्सीन लिया हो, अगर ना लिया हो तो प्लीज आप सब वैक्सीन जरूर लें बिकॉज थर्ड वेव आ रहा है और उससे बचने के लिए, थर्ड वेव से बचने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी दोनों ले चुकी हूँ, उसके बाद हम लोग शूट पे जा रहे हैं और हमारे पूरे यूनिट ने, सब लोगों ने ली हुई है, सो उसके बाद ही हम लोग शूट कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ख्याल रखें और ज़रूर आपके नज़दीक में जहाँ भी वैक्सीन मिल रहा हो प्लीज़ जाए और अपने परिवार वालों को भी दिलवाएं। और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैक्सीन लगाने के बाद कोई भी ज्यादा कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे हैं। मैंने खुद लगाए हैं, दोनों लगा चुकी हूँ मैं और मुझे फीवर तक नहीं आया था, बस हाथ थोड़ा सा दर्द हुआ था जो इंजेक्शन लगा था बस उस वजह से, अदरवाइज और कोई रिएक्शन नहीं आया है। मैं जाने वाली हूँ अयोध्या शूट करने और पवन जी के साथ है हमारा शूट, जो कि हम लोग अभी लॉकडाउन के पहले भी कर रहे थे जो कि कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और हमें भी वहाँ से निकलना मतलब जाना पड़ा बिकॉज सबकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है और कोरोना बहुत फैल रहा था, सेकेंड वेव तो बहुत ही खतरनाक था और कई रिलेटिव्स हैं, कई हमारे जानने वाले हैं, कई लोगों की डेथ हुई है सेकेंड वेव में, तो बहुत सब डर गए थे एंड अभी भी डरे हुए हैं। सो प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखें। हेलो कैलाश यादव जी, लेट्स कॉल रणधीर कुमार, आप लोग कॉल उठा नहीं रहे हैं, कॉल कर तो रही हूं मैं या मे भी शायद लग नहीं रहे, पता नहीं। थैंक यू रोहित कश्यप जी, मेरा बर्थडे 10 दिन बाद है। प्रिया अंजलि तिवारी, आई होप कि ये उठा ले। नो no. हेलो संदीप जी, कैसे हैं आप? मिंटू लाल यादव, थैंक यू, हाय। बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। रिसेंटली मैं शूट करके आई थी जो कि कंप्लीट हो चुकी है, बहुत जल्द रिलीज होगी, जिसका नाम है ससुरा बड़ा सतावेला एंड इश्क, जो कि चिंटू जी के साथ है। एंड हाँ, लिट्टी चोखा भी हमने की हुई है खेसारी जी के साथ, जो कि वो भी बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। और अभी पवन जी के साथ शूट कर रही हूँ धर्मा और कैसे हो जाला प्यार, सो वो भी आप सबके बीच बहुत जल्द आएगी। और कई फिल्में हैं जो लाइनअप हुई है जो हम लोग शूट करेंगे जैसे 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 हमें डेट्स मिलेंगे सिचुएशंस देख के।
क्या सिचुएशंस है लॉकडाउन के, उस हिसाब से शूट किया जाएगा। अभी काम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट ये जरूरी भी है क्योंकि अभी क्राउड ज्यादा हमें नहीं जमा करना चाहिए, बिकॉज कहीं क्राउड एरिया में वर्क भी नहीं करना चाहिए, और हम लोग जाएंगे तो ज्यादा क्राउड भी हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि कई ऐसे हमारे कई एक्टर्स हैं जो बहुत फेमस भी हैं, सब लोग पसंद भी करते हैं, तो क्राउड ज्यादा भीड़ जमा हो जाती है, तो सबके लिए हानिकारक है, और कोई नहीं जान सकता कि किसको क्या कोरोना का जो सिचुएशंस है, बिकॉज वो ऐसे फैल रहा है मतलब, तो उसको संभालने के लिए हमारे प्रोड्यूसर्स लोग ज्यादातर शूटिंग बहुत स्लो कर रहे हैं, और हमारे एक्टर्स भी बहुत सोच समझ के वर्क कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी अपने ऑडियंस का ख्याल रखना है, और आप ही सबसे हम लोग हैं, और आप ही सबके लिए हमें वर्क भी करना है, सो आप रहेंगे तो हम रहेंगे, सो उस वजह से होगा, बहुत जल्दी अच्छे से वर्क स्टार्ट हो जाएगा और थिएटर्स भी ऑन हो जाएंगे। आप सबको बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखने मिलेंगी, और सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी फिल्में लाएं। आई होप कि आप सबको पसंद आए। मैं कोशिश करती हूँ फिर से, अदरवाइज फिर अब नितेश मिश्रा आई होप कनेक्ट हो जाए, मुझे नहीं पता कनेक्ट हो नहीं रहे हैं या फिर क्या इश्यू है, मुझे नहीं पता है, बट देखते हैं, लेट्स सी। स्टे होम स्टे सेफ। या मनोज जी थैंक यू सो मच, आप भी सेफ रहिए। हेलो अजीत रॉय, सबको प्यार दीजिए और सबको लाइक करिए, और जितना प्यार और आशीर्वाद और सपोर्ट आप सब दे रहे हैं हम लोग को, उतना ही देते रहें, और बस बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी। हेलो प्रदीप सर, हमारे बहुत ही जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर एंड प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह जी, उन्होंने मुझे हाय बुलाया है। ओके, सो आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा बर्थडे का फर्स्ट केक मैंने कट कर चुकी हूँ, और आई गेस ये 10 दिन बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, बिकॉज आज 9 तारीख है, अभी 10 दिन बाकी है, और 10 दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाले हैं, और मैं बनाऊंगी उसे ज़्यादा। और मैं जहाँ भी रहूंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना बर्थडे शूट पे ही सेलिब्रेट इस बार मेरा होने वाला है, अदरवाइज मैं अपनी फैमिली के साथ ही करती हूँ हमेशा, और मैं अपनी मम्मा, मेरी सिस्टर, मेरे भाई और बस घर वाले, मेरी हनी, बस उतने ही लोग हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और मैं अपना बर्थडे अपने फैमिली के साथ, उस दिन को मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फैमिली के साथ ही रहूँ और उनके साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, बट इस बार आई गेस पॉसिबल नहीं है, बैड लक। बट मेरा भाई आ रहा है, और मेरा भाई ये केक जरूर खाएगा, तो एक बर्थडे उसके साथ मन जाएगा मेरा। थैंक यू आरडीएक्स भैया, भैया उसमें लिखा हुआ है भैया, आरडीएक्स भैया, थैंक यू। एडवांस में थैंक यू, एडवांस में आप सबको भी थैंक यू। चलिए, सो मैं एक ट्राई और कर लेती हूँ कॉल के लिए, बट कॉल उठ नहीं रहे, पता नहीं क्यों, तो दो लोग से तो मैं एक ही इंसान से मेरी बात हुई, सौरभ से आई गेस, आर्यन आदर्श, लेट्स टॉक विथ आर्यन आदर्श। हेलो लग गया, ओह माय गॉड, हेलो हेलो,
कोई है? आई थिंक वो नेटवर्क में नहीं है तो मैं उनको कैंसिल कर रही हूँ, और किसी और से हम बात करते हैं। लेट्स सी कौन ये कौन है। श्री राम ओझा जी, थैंक यू गाइस। मेरा बर्थडे बट मैं आप सबकी ये जो विश आप मुझे कर रहे हैं आज, मैं उन सबको रखूंगी अपने पास। एंड थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप सबका इतना प्यार देने के लिए। सनी सिंह जी, आप फोन उठाने वाले हैं। थैंक यू कश्यप जी, आशीष कुमार जी, भरत यादव जी। ओ गॉड, आज मेरा बर्थडे नहीं है यार, मुझे 20 तारीख को सब विश करिएगा। 20 जुलाई, मैं 20 जुलाई को भी लाइव आऊंगी, तब आप सब मुझे विश करिएगा। नहीं उठाया। ओके, ये लास्ट ट्राई मैं जिसको भी कॉल कर रही हूँ, इसके बाद मैं लाइव खत्म करूंगी और फिर मैं 20th को आप सबसे बात करूंगी। एंड आप सब जरूर मुझसे मिलिएगा उस दिन और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, मेरे नाम से कोई तो था, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। कहाँ गए? काजू मिश्रा, वन ऑफ माय फ्रेंड, मुझे काजू बुलाते हैं, सो ही यूज टू कॉल काजू। इवन माय सिस्टर कॉल्स मी काजू। डिक्लाइन, हाँ, नहीं लग रहा है। और गाइस, आप सब कैसे हैं और क्या चल रहा है? कोई क्वेश्चन, एनीथिंग आप पूछ सकते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ और सेफ हूँ और सुरक्षित हूँ, घर में हूँ। अभी जस्ट मैं कल परसों ही मैं आई हूँ बलिया से, गोरखपुर से शूट था मेरा, और बस अभी घर पर हूँ। अभी 3 4 दिन बाद मैं वापस शूट पे जाने वाली हूँ। 2 फिल्म की कंटिन्यू हमारी शूट है, सो हम लोग वो करेंगे एंड देन उसके बाद फिर देखेंगे। यार ऐसे ऐसे स्क्रॉल हो रहे हैं सब। थैंक यू रुमेल कमरुजमान, क्या है? अरे सीरियसली नहीं समझ में आ रहे हैं। एनीवेज, आपकी मूवी कौन सी आ रही है? मैंने अभी जस्ट बताया मेरी कई मूवीज आ रही है। अभी मैं धर्मा करने वाली हूँ, कैसे हो जला प्यार, लिट्टी चोखा, इश्क, ससुरा बड़ा सतावेला, और 2 फिल्में आ रही है, वो मैं आप सबको जब जब फिल्में आती रहेगी मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगी कौन सी फिल्में आ रही है। और अभी हम शूट करने भी जा रहे हैं, सो लव यू टू। थैंक
किसी को कॉल कर रही हूँ बट उठ नहीं पा रहे, उनकी कॉल्स नहीं वो हो रहे हैं, सो मैं क्या कर सकती हूँ। एक्चुअली केक यमी है, मेरे सामने पड़ा हुआ है, बट मैं खा नहीं सकती। चलो गाइस, फोन नहीं उठा रहे हैं, जिसको भी ऐड करी शायद कॉल्स नहीं जा रहे उनके पास, तो मैं रखती हूँ और फिर आप सबसे मुलाकात होगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे ज्वाइन करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए, एंड स्पेशली थैंक्स टू अंजलि एंड आचल, ये बहुत क्यूट सा यमी केक और टेडी बेयर के लिए, थैंक यू सो मच। और इसे मैं बहुत संभाल के रखूंगी, केक तो संभाल के नहीं रखूंगी, बट यस मैं केक को खा सकती हूँ, बट टेडी बेयर हमेशा संभाल के रखूंगी। सो लव यू गाइस, टेक केयर, और प्लीज आप सब वैक्सीन जरूर ले और अपने फैमिली को भी दिलवाए, पेरेंट्स को भी दिलवाए, बिकॉज बहुत जरूरी है, थर्ड फेज आ रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए, उससे बचने के लिए प्लीज वैक्सीन लगवाए अपने नजदीक में जहाँ भी अस्पताल हो, या किसी से कंसल्ट कर लीजिए कहाँ मिल सकता है। सो प्लीज गाइस वो जरूर करवा ले, और बहुत जल्द आप सबसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द हर चीज ठीक हो जाएगी, बस यही दुआ करूंगी मैं कि जल्द से जल्द सब ठीक हो जाए और सब सुरक्षित रहे और हमेशा खुश रहे। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा और खुश रहिए हमेशा। लव यू, प्रणाम।